एग्जिट पोल का नाम पे इतना रुपया का मार्केटिंग हो गया, कौन कौन इन्वॉल्व है? मेरे को तो शेयर बाजार के लिए पता नहीं है, हम समझते भी नहीं है, लेकिन हम पेपर में कुछ कुछ देखा और देख के ये तो मेरे को लगा कि दाल में तो कुछ जरूर कड़ा है। चाहे चुनाव का काउंटिंग डे का, काउंटिंग का पहले का, वोटिंग डे का, इनमें जो जो हुआ है, टोटल स्कैम हुआ है, बड़ा स्केयर स्कैम हुआ है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम इंतजार करेंगे नहीं, हम वॉच करेंगे। फ्रॉम आवर साइड आई कैन अश्योर यू, हम खुश होंगे अगर जितना जल्दी से जल्दी ए अनस्टेबल, एक गड़बड़ गवर्नमेंट, जो वीक गवर्नमेंट, जिसका पास देश को लिए कुछ नहीं है, देना भी नहीं है, ए जल्दी से जल्दी घर वापस जाए, ध्यान ध्यान करे, अच्छा रहे, लेकिन इंडिया का कमिटमेंट, इंडिया को चलाने देना ठीक होता है। अगर इसका जगह में मैं होती तो विदाउट माय सिंगल पार्टी मेजोरिटी हम तो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटेशन नहीं लेती। पार्लियामेंट ये ठीक है, बहुत सारे देश है, बहुत सारे जगह है, बहुत सारे राज है, लेकिन तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं हुआ। जिन्होंने 400 का बात कहा, मैंने क्या कहा था, 200 भी पार होगा कि नहीं होगा देख लो, और इसमें तो इलेक्शन कमीशन का मैनिपुलेशन पूरा है कि नहीं है? मैं जो क्वेश्चन किया है उसको रिप्लाई अभी तक नहीं मिला। ऑब्जर्वर का रोल है हमारा, इधर में देश का जितना सीआरपीएफ सब भेज दिया, जितना सीपीएफ, जितना एजेंसी सब भेज दिया, एक एसपी ने 45 लाख रुपया पकड़ा तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने का बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर जो भी दिन आते थे, 3 दिन मैंने देखा वॉच करके, 3 दिन ही 3 एसपी चेंज हो गया। फोर्सफुली कोई काम नहीं होता, काम होता है दिल से, काम करने के लिए मेहनत करना चाहिए, काम करने के लिए जानना भी जरूरत है। हमारा देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं। अब पहले देखो ना, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हस्बैंड क्या बोला, एक घर में नहीं चल सकता है। अगर आपका खुद घर से आवाज आ रहा है तो हम क्या करें? हम ये नहीं कहे कि झूठ बोले कौवा काटे, एक गवर्नमेंट जो बात सपोर्ट लेने के लिए आप जा रहा है, ये देश के लिए कोई हित का बात नहीं है, ये देश का लोकतंत्र को और भी वीक करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं मोदी हारा, मींस उसको जो इंटेंशन 2/3 मेजोरिटी का था, उन्होंने सिंगल मेजोरिटी भी नहीं मिला, उसका आसपास में गया ही नहीं, तो कैसे बिल पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे विदाउट 2/3 मेजोरिटी? और बातों बातों पे जो भी मर्जी बिल कर लेना, जितना भी बिल किया है लास्ट टाइम किसी को साथ डिस्कशन नहीं किया, चर्चा नहीं किया, जानबूझ के जस्ट पास। डिक्टेटरशिप का भी एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो भी नहीं है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसस टेरेबल, जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। और हम ये निर्णय
है कि जुमला तो बहुत है और पेपर भी सबूत करता है अलग है, वो काम पे लगा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको पेपर जुमला पेपर उसको क्लियर करने के लिए। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है आपका आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है किसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। आपका अंदर का सब आदमी खुश नहीं है ये हम दिख रहा है। मेरे को यही बात कहने था, मैंने आज मीटिंग हुआ इसी के लिए मैं सोचा कि आप लोगों को दो चार बात कहे, इसी के लिए मैंने कहा।